ज्ञानधारा चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत इतिहास विषय के भाग 18 तक का अध्ययन हम कर चुके हैं। भाग 18 में हमने अध्ययन किया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने पढ़े कुछ राष्ट्रीयवादी संगठन और कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों के बारे में। आज उससे आगे भाग 19 में अब हम अध्ययन करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के चरण का। यदि आपने इससे पूर्व के हमारे भाग 18 नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप इन्हें पहले देखें, तभी आपको ये भाग 19 समझ में आ पाएगा। यदि आप समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो इससे संबंधित समस्त वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। ध्यान देना, स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन के तीन चरण हैं। स्वतंत्रता जो आंदोलन था उसको हम तीन चरणों में बांट सकते हैं। इसका जो पहला चरण हम मान सकते हैं वो है 1885 अर्थात कांग्रेस की स्थापना से 1905 तक का जो काल है वह। इसका जो सेकंड चरण है वो हम मान सकते हैं 1905 से 1919 ईस्वी का समय, और इसके थर्ड चरण हम मान सकते हैं 1919 से 1947 तक का। 1885 से 1905 का जो पहला काल है इसको उदारवादी राष्ट्रीयता का युग कहा गया। ध्यान देना, इससे एक प्रश्न यही बनता है कि स्वतंत्रता आंदोलन का जो प्रथम चरण था उसे क्या कहा गया? उदारवादी राष्ट्रीयता का युग। कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादियों और उग्रवादियों में विवाद उत्पन्न हो गया वह था कलकत्ता का अधिवेशन 1906 में। अंत में फिर अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी को बनाया गया। दादा भाई नेहरू जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में यह घोषणा की कि राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन या उपनिवेश जो है उनकी तरह शासन करना नहीं, अपितु राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य है ग्रेट ब्रिटेन या उपनिवेशों की तरह का स्वराज या स्वशासन प्राप्त करना। अब बात करते हैं उदारवादियों की। उदारवादियों एवं उग्रवादियों में मतभेद का जो कारण था वह था स्वराज्य शब्द की परिभाषा। उदारवादियों का अर्थ है कि औपनिवेशिक स्वशासन, जबकि उग्रवादियों का अर्थ है पूर्ण स्वराज्य। इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस का विभाजन होना पड़ा और यह विभाजन नरम व गरम दल में हुआ। कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में 1907 के अंतर्गत हुआ। अब बात करते हैं विभाजन के बीजारोपण की। ध्यान देना, बंगाल के विभाजन का बीजारोपण कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में ही हो गया था। उस समय सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस। इसे कांग्रेस के इतिहास में सबसे दुखदायी घटना बताया एनी बेसेंट ने। अब नरम दल और गरम दल की बात करें तो नरम दल जो था उसका नेतृत्व किया गोपाल कृष्ण गोखले ने, और इस नरम दल का अन्य जो सदस्य थे उनमें शामिल थे दादा भाई नौरव जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, रास बिहारी बोस, आनंद मोहन बोस, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद सिन्हा, फिरोज शाह मेहता। अब बात कर लेते हैं गरम दल की। गरम दल की बात करें तो गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, और इसके अन्य जो समर्थक थे उनमें लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, इनका नाम प्रमुख है। गरम दल की जो नीतियां थी, गरम दल की प्रमुख नीतियां थी विदेशी माल का बहिष्कार करो, स्वदेशी माल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दो और सरकारी नौकरियों और उपाधियों का भी बहिष्कार करो। उग्रवादी जो थे उन उग्रवादियों का जो प्रमुख उद्देश्य था वह स्वराज्य प्राप्त करना था। तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने इसके अलावा अपनी उग्रवादी नीतियों का प्रचार करने के लिए मराठा और केसरी दो समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया। महाराष्ट्र में उन्होंने इसी के साथ एक उत्सव भी प्रारंभ किया और उसका नाम था
गणेश उत्सव। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कुछ शेष ऐसी बातें जो थोड़ा पढ़ना महत्वपूर्ण है उनके बारे में। डफरिन ने ह्यूम कांग्रेस, ध्यान देना, डफरिन और ह्यूम ने कांग्रेस का गठन एक ऐसी संस्था के रूप में किया जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उत्पन्न होने वाले खतरे के लिए एक सुरक्षा कपाट का काम दे सके, ये मानना था लाला लाजपत राय का। ध्यान देना, ये कुछ कोटेशंस है, उदाहरण ऐसे हैं जो कि परीक्षा दृष्टि महत्वपूर्ण, इसलिए हमने इनका यह संकलन किया है। भारतीय व यूरोपीय न्यायाधीशों को समान अधिकार दिलाने वाला विधेयक था इल्बर्ट बिल, और ये पारित किया इल्बर्ट ने 1883 में। बिल में भारतीय न्यायाधीशों को अधिकार प्रदान किया गया कि यूरोपीय लोगों के विरुद्ध उन्हें मुकदमा सुनने का अधिकार है। इस बिल में परिवर्तन का जो मुख्य कारण था वह था अंग्रेजों का विरोध, अंग्रेजों ने इसका खुला विरोध किया। इल्बर्ट बिल पर अंग्रेजों के विरोध ने भारतीयों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों का भी एक संगठन होना चाहिए, और इसी के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यह था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का बीजारोपण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जनता के बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर लॉर्ड डफरिन ने उसकी बहुत हंसी उड़ाई। ये भी एक थोड़ी कोटेशन महत्वपूर्ण है। मुझे बड़ी खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही, ये कथन कहा था एल्गिन ने। एल्गिन का कथन था ये कि मुझे बड़ी खुशी है कि कांग्रेस लगातार नीचे की ओर जा रही। वायसराय जिन्होंने ब्रिटेन स्थित भारत मंत्री को सन 1900 में पत्र लिखा कि मेरा यह अपना विश्वास है कि कांग्रेस लड़खड़ाती हुई पतन की ओर जा रही है, और एक महान आकांक्षा यह है कि मैं भारत रहते समय उसकी शांतिमय मौत में सहायता दे सकूं, ये कथन कहा था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अब हम बात कर लेते बंगाल के विभाजन की। बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वो 20 जुलाई 1905 को की गई। विभाजन विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हो गया। विभाजन लागू 16 अक्टूबर 1905 को हुआ और इसके विभाजनकर्ता थे लॉर्ड कर्जन। बंगाल में शोक दिवस मनाने की घोषणा की गई 16 अक्टूबर 1905 को। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय अपना प्रसिद्ध गीत लिखा था ओ मार सोनार बंगला, जो बाद में बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय गीत बनाया सन 1971 में। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन दिवस को राखी बंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया। ध्यान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसे राखी बंधन दिवस, ये रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर मनाया गया था। बंगाल के हिस्से विभाजन के बाद कर दिए गए पूर्वी बंगाल व असम और शेष बंगाल, और विभाजन का जो कारण बताया गया वह प्रशासन और व्यवस्था। लेकिन बंगाल के विभाजन का जो वास्तविक कारण था वो अंग्रेजों की एक नीति थी, उसी नीति के फलस्वरूप यह हिंदू और मुसलमानों में एक तरह से फूट डालना था। आंदोलन दबाने हेतु तिलक को गिरफ्तार करके 6 साल के लिए मांडले जेल में भेज दिया गया। ध्यान देना, तिलक को 1908 से 14 के लिए मांडले जेल में रखा गया। बंगाल के विभाजन पर मुसलमानों को अपनी चेती पत्नी के रूप में बैम्फायल्डे फुल्लर ने उल्लेखित किया। ध्यान देना, ये पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बैम्फायल्डे फुल्लर, इन्होंने कहा था कि मुसलमानों को उन्होंने बंगाल विभाजन पर एक अपनी चेती पत्नी के रूप में वर्णित किया था। बंगाल के विभाजन को रद्द करने की जो घोषणा है वो दिल्ली दरबार में बाद में 1911 में की गई। अब बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम की। भारत परिषद अधिनियम में 1909 है, इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय जॉन मार्ले जो था वो भारत मंत्री अर्थात भारत सचिव था, और लॉर्ड मिंटो भारत का गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय था। इस अधिनियम द्वारा पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। इसका सबसे बड़ा दोष यह था कि इसमें मुसलमानों को पृथक से निर्वाचन मंडल प्रदान कर दिया गया। एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में इस भारतीय सदस्य को नियुक्त किया गया। नियुक्त भारतीय सदस्य हुए एस पी सिन्हा, ये थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देना। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा
वायसराय की कार्यकारिणी में जो भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए वो थे एसपी सिन्हा। इसमें विधान परिषद के निर्वाचन की व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचन की गई। ध्यान देना, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा ही विधान परिषद के निर्वाचन की व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से की गई। अब बात कर लेते हैं दिल्ली दरबार की। दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में किया गया। उस समय अवसर था ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम व महारानी मेरी के भारत आगमन पर। 12 दिसंबर को जॉर्ज पंचम ने घोषणा की कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया जाए, एक नवीन प्रांत का निर्माण किया गया। उसी समय वो था बिहार, ये उड़ीसा और बिहार दोनों को मिलाकर के बनाया गया। इसी समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली बार दिल्ली राजधानी बनी 1911 के दिल्ली दरबार के द्वारा। राजधानी का स्थानांतरण 1912 में हुआ, 1 अप्रैल 1912 को। ये थोड़ी डेटा थोड़ी महत्वपूर्ण है। दिल्ली दरबार में पहली बार जनगण मन, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का गीत था, वो गाया गया था। दरबार का आयोजन करने वाले उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंज। लॉर्ड हार्डिंज जो 1910 से 16 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। अब बात करते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की यदि हम बात करें तो उस समय तात्कालिक वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। और इस अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल आगा खां के नेतृत्व में वायसराय से मिला और यह तिथि थी 10 अक्टूबर 1906 और स्थान था शिमला। और लीग स्थापना की घोषणा का अवसर था ढाका सम्मेलन। जान लेना, ढाका सम्मेलन में पहली बार मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई 30 दिसंबर 1906 को। अक्टूबर 1906 में तो मुसलमान का प्रतिनिधि मंडल जाके वायसराय से मिला और उसके 2 महीने बाद ही दिसंबर 1906 में प्रत्यक्ष मुस्लिम लीग स्थापना की घोषणा कर दी गई। सम्मेलन के नेतृत्वकर्ता थे उस समय नवाब सलीम उल्लाह खान। सम्मेलन का जो नेतृत्व किया वो नवाब सलीम उल्लाह खान ने किया था। लीग के पहले अध्यक्ष बनाए गए वकार उल मुल्क। ध्यान देना, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? वकार उल मुल्क। मुस्लिम लीग का संविधान बनकर तैयार हुआ कराची में और यह बनाया गया 1907 में। इस संविधान के अनुसार लीग का प्रथम अधिवेशन अमृतसर में 1908 में पहली बार आयोजित हुआ। 1908 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया। मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन 1908 में मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की भी मांग की गई और उन्हें यह अधिकार मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1909 में फिर दे भी दिया गया। तो इस प्रकार से ये कुछ तथ्य थे भारतीय मुस्लिम लीग से संबंधित। अब बात करते हैं हिंदू महासभा की। ध्यान देना, हिंदू महासभा की स्थापना 9 अप्रैल 1915 में की गई। स्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। स्थान था हरिद्वार प्रयाग में कुंभ मेला। इसके सदस्य थे लाला लाजपत राय और बी एस मुंजे। उन्होंने नारा दिया था उस समय अखंड भारत का। और हिंदू महासभा का जो प्रमुख कार्य था वो था हिंदुओं के अधिकारों की मांग करते हुए भारत को आजाद कराने हेतु प्रयत्नशील रहना। यह हिंदू महासभा का प्रमुख कार्य था। अब हम बात कर लेते हैं लखनऊ समझौते की। लखनऊ समझौते की यदि हम बात करें तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। और यह 32वां कांग्रेस का अधिवेशन था जो 1916 में आयोजित हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में जो घटनाएं घटित हुई वो ऐतिहासिक घटनाएं थी। नरम और गरम दल दोनों में समझौता हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ। ये हुआ लखनऊ पैक्ट के अंतर्गत। नरम दल व गरम दल एक करने में योगदान जो दिया उनमें महत्वपूर्ण योगदान था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का। कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता रहा वो जिन्ना तिलक और बेसेंट की देन थी, तीनों की, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इसमें कांग्रेस की भूल यह रही कि उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक जो निर्वाचन प्रणाली थी उसको स्वीकार कर लिया। ये भारत और पाक बंटवारे की नींव डाल दी गई इसके द्वारा। लखनऊ समझौता है प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों की फूट डालो राजनीति करो की जो नीति थी उसकी सफलता थी। अब हम बात कर लेते हैं होम रूल लीग आंदोलन की।
बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना बेलगाम पूना में की है। थोड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनकी डेटा स्थापना स्थान बहुत महत्वपूर्ण, थोड़ा इनको ध्यान से देखना। और ये स्थापना की 28 अप्रैल 1916 को। इसके अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव बनाए एनसी केलकर। लीग के प्रचार हेतु तिलक ने समाचार पत्र निकाला मराठा और केसरी। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की अडियार मद्रास में, और ये 1 सितंबर 1916 में की। ध्यान देना, उत्तर भारत में तो इसकी स्थापना दो, ध्यान देना दो बातें हैं इसमें, होम रूल लीग आंदोलन की उत्तर भारत में यदि स्थापना की तो बाल गंगाधर तिलक ने, और यदि दक्षिण भारत में इसकी स्थापना की तो वो की थी एनी बेसेंट ने। ये थोड़ी दोनों डेटा महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं जो दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में जो एनी बेसेंट ने अडियार मद्रास में जो होम रूल लीग की स्थापना की उसके अध्यक्ष थी एनी बेसेंट और सचिव बनाए अरुण डेल को। लीग के प्रचार हेतु एनी बेसेंट ने एक समाचार पत्र निकाला और वो निकाले कॉमनवील और न्यू इंडिया। न्यू इंडिया अंग्रेजी में था। ये समाचार पत्र भी थोड़े महत्वपूर्ण है, पूछ लेते हैं कि किन ने ये समाचार पत्र किन के द्वारा निकाले गए। तिलक का होम रूल लीग कार्यरत था महाराष्ट्र में मध्य प्रांत में, और एनी बेसेंट का लीग कार्यरत था शेष भारत में। ये पहले बता चुके। लीग का उद्देश्य था स्वशासन की प्राप्ति। होम रूल आंदोलन के प्रति देशी नरेशों का रवैया सहानुभूति रहा, अर्थात सभी नरेशों ने इसमें सहयोग प्रदान किया। इस आंदोलन के समाप्त होने का कारण था अगस्त घोषणा, जो 20 अगस्त 1917 को हुई। अगस्त घोषणाकर्ता थे लॉर्ड मॉन्टेगू, जो कि उस समय तात्कालिक भारत सचिव थे, और अगस्त घोषणा का विषय था भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने का वचन। इस पर आश्वासित होकर ही होम रूल लीग को स्थगित किया गया। आज के इस भाग 19 में इतना ही, 20 में हम आगे चर्चा करेंगे लाला लाजपत राय, मॉन्टेगू घोषणा की, भारत सरकार अधिनियम 1919 इत्यादि, और इसी के साथ पढ़ेंगे गांधी युग को भी। संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल को निरंतर देखते रहिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसी के साथ नमस्कार।